देखिए एडीबी में मैंने कोई कमीशन बाजी तो की नहीं है। हाँ। जिन्होंने कमीशन बाजी करी है आप उनसे पूछो। हाँ, तो किन्होंने किया आपके मुताबिक कमीशन बाजी? माननीय नगर विकास मंत्री मदन कौशिक थे। हाँ। शहर के विधायक प्रदीप पत्रा थे। हाँ। जो जिन कंपनी को ये टेक्का छुटा हुआ था उन्हीं से बुला के पूछ लो अगर मैंने कमीशन ली हो तो मैं गुनहगार। उन्होंने ली होगी नगर विकास मंत्री ने। और वर्तमान जो विधायक है प्रदीप बत्रा। तो आज आप उन लोगों से मिलोगे जो प्रदीप बत्रा से कह रहे कि आओ हमें मुआवजा दो? बिल्कुल। जब हमने कुछ काम गलत किया नहीं तो मिलने में हमें इसके आश्वासन देगी आज उन्हें? देखिए कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो इनके लिए उचित समाधान होगा। देखो हाथ का पंजा खूनी है काला है ऐसा वो सोचते हैं, उनके पास विकास कार्य बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो ये कहना कि भाई काला है खूनी है दूसरे पे आरोप लगा रहे, आपके पास क्या है सिवाय खनन के? क्या काम किया है? 1000 करोड़ से ऊपर का खनन हरिद्वार से हुआ है और कई वीडियो जारी हुए हैं उस पर लिखा हुआ है, लोगों ने कमेंट किया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो वो खुद खनन माफिया रहे हैं। इस पूरे भाजपा के शासनकाल में पुष्कर जी ने जितने तबादलों को उद्योग का दर्जा दिया है उनसे पैसे कमाए हैं, जितना खनन किया अब तक नहीं हुआ। ठीक है, आज की तारीख में प्रदीप बत्रा का जो आतंक है वो चाहे आतंकी कह सकते हो साहब, वो भूमाफिया भी हैं। ठीक है, और आज की तारीख में आप देख ही पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखो जी आपका यशपाल राणा रुड़की से बहुत भारी वोटों से जीतेंगे और इसके हमने कई साल देख लिए प्रदीप बत्रा के और उनके काम में हमारा काम में बड़ा अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क, मैं आपके साथ शिवम वालिया। देखिए दो दो कांग्रेस की दो दो महान हस्ती हमारे साथ है, एक यशपाल राणा तो एक सुभाष वर्मा जी, दोनों से बात करेंगे। वरिष्ठ नेता है, एक कांग्रेस से प्रत्याशी है रुड़की के, तो दूसरे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। देखिए गणेशपुर में आप आए और गणेशपुर का मामला तेजी से उठाया जा रहा है, एडीबी वाला दोबारा से उठ गया है। देखिए एडीबी में मैंने कोई कमीशन बाजी तो की नहीं है। हाँ। जिन्होंने कमीशन बाजी करी है आप उनसे पूछो। हाँ, तो किन्होंने किया आपके मुताबिक कमीशन? माननीय नगर विकास मंत्री मदन कौशिक थे। शहर के विधायक प्रदीप पत्रा थे। जो जिन कंपनी को ये टेक्का छुटा हुआ था उन्हीं से बुला के पूछ लो अगर मैंने कमीशन ली हो तो मैं गुनहगार। उन्होंने ली होगी नगर विकास मंत्री ने। और वर्तमान जो विधायक है प्रदीप बत्रा। तो आज आप उन लोगों से मिलोगे जो प्रदीप बत्रा से कह रहे कि आओ हमें मुआवजा दो? बिल्कुल। जब हमने कुछ काम गलत किया नहीं तो मिलने में हमें इसके आश्वासन देगी आज उन्हें? देखिए कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो इनके लिए उचित समाधान होगा। जो भाजपा ने डीपीआर बनवाई है वो बहुत गलत डीपीआर बनी है, उसमें अंडरग्राउंड की डीपीआर है, जबकि सीवर लाइन डलनी चाहिए ओपन खुल के, तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का हुआ है। जब ओपन डलेगी खुल के तो पता लगेगा आपका मकान आपकी जमीन धस रही है या नहीं धस रही है। प्रैक्टिकल पे डीपीआर बननी चाहिए। गणेशपुर के लोग जिनकी वो दुकान है वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रदीप बत्रा हो या फिर मेयर गौरव गोयल हो, वो आते हैं लेकिन आश्वासन दे के जाते, करते कुछ नहीं है। आश्वासन हमारी कांग्रेस पार्टी आश्वासनों पर नहीं चलती। हम धरातल के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप निश्चित इस बात को समझ लें अगर कांग्रेस की सरकार जैसे ही उत्तराखंड में बनेगी ये जो एडीबी की है इसके अंदर जांच बैठेगी। देखिए सुभाष वर्मा जी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, जिला पंचायत में रहे तो 100 से ज्यादा कामों को हरी झंडी दी थी और आज यशपाल राणा जी के साथ हो आप, कितनी उम्मीद है इनके जीतने की इस बार? यशपाल राणा इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सीट को निकाल ली है और प्रदेश में भारी बहुमत के साथ लौट रही है सत्ता में। देखिए जब मैंने आपका पहले साक्षात्कार किया था उस समय बहुत चीजें बदलाव आ चुकी है। सबसे पहले अभी धामी जी आए थे, पुष्कर सिंह धामी, वो बोल के गए थे कि हाथ का पंजा खूनी है काला है, इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखो हाथ का पंजा खूनी है काला है ऐसा वो सोचते हैं, उनके पास विकास कार्य बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो ये कहना कि भाई काला है खूनी है दूसरे पे आरोप लगा रहे, आपके पास क्या है सिवाय खनन के? क्या काम किया है? 1000 करोड़ से ऊपर का खनन हरिद्वार से हुआ है और कई वीडियो जारी हुए हैं उस पर लिखा हुआ है, लोगों ने कमेंट किया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो वो खुद खनन माफिया रहे हैं। इस पूरे भाजपा के शासनकाल में पुष्कर जी ने जितने तबादलों को उद्योग का दर्जा दिया है उनसे पैसे कमाए हैं, जितना खनन किया अब तक नहीं हुआ। आज आपको नया पद मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और कांग्रेस अब कितनी उम्मीद जगा रही है सुभाष वर्मा जी से? मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं,
और मुझे पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। मैं अपने प्रदेश के नेताओं का और केंद्रीय नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे लगाए मैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप भी इस समय गणेशपुर में, और गणेशपुर का मुद्दा लगातार यहां के दुकानदार उठा रहे हैं कि प्रदीप बत्रा जी आते हैं, पिछले 2 साल से उनकी दुकानें खराब हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, प्रदीप बत्रा जी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, मुआवजा नहीं उन्हें मिलता। नहीं, प्रदीप बत्रा जी क्या, वो तो व्यापारी नेता थोड़ा, ये तो जनता का दुर्भाग्य होता है जब व्यापारी राजनीति में आकर जनता की सेवा करने की बात करते हैं, वो व्यापार की ही बात करते हैं, वो तो व्यापारी हैं। तो जनता का दुर्भाग्य है जब किसी जनता का नेतृत्व व्यापारी करता है। एक फोटो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, प्रकाश स्वीट्स के ऊपर यशपाल राणा जी का बैनर लगा हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे मालूम नहीं, वो कोई वहाँ पे यशपाल जी के समर्थक होंगे जिन्होंने बैनर लगाया वहाँ पे, तो लगा रखा उन्होंने, अच्छा है, अच्छा तो है, लेकिन आप उनको व्यापारी बताते हैं, दुकान तो उनकी है और बैनर किसी और का है, तो लगा रखा उन्हें भी लग रहा कि भाई अब आ रही है यशपाल जी से, उन्हें भी काम कराने अपने। देखिए, वो कह रहे हैं कि यशपाल जी इस बार आ रहे हैं, अब ये तो समय ही बताएगा 10 मार्च का कि क्या होने वाला है, ईवीएम में किसके वोट पड़ने वाले हैं, ईवीएम में कांग्रेस के वोट पड़ने वाले हैं या बीजेपी के, ये तो 10 मार्च का समय ही बताएगा। लेकिन आज उत्सुकता देखिए आप लोगों का, प्रेम देखिए यशपाल राणा जी के लिए, जो आज गणेशपुर में इस तरीके की लंबी कतारों में लोग हैं, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, तो आइए लोगों से भी बात करते हैं। कांग्रेस को क्यों चाहते हैं आप सत्ता में? कांग्रेस को तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम पार्टी से पहले से ही जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और यशपाल राणा जी का बढ़िया हिसाब है पहले से ही, और कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया मजबूत पार्टी है। आपके विधायक जी का बढ़िया हिसाब नहीं था? ना ना, हमारे विधायक जी का, प्रदीप बत्रा जी का कोई हिसाब नहीं है, और शायद गणेशपुर में तो है ही नहीं। अच्छा, गणेशपुर की जनता बड़ी नाराज आती है, एडीबी का मामला हो या फिर सड़कों का मामला हो, ऐसा क्यों है? ये देख लो, एडीबी का अभी यही पीछे ही मकान है, ये नया मकान बना भी, ये भी फिर बैठ गया, और पहले भी बेचारों का पुराना मकान था वो भी बैठ गया, अपना अभी विधायक जी इसमें कुछ कह पा रहे हैं ना, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, विधायक जी आप ही नहीं रहे और कुछ कर ना, 5 साल में एक बार भी नहीं आए अभी तक। ये कह रहे हैं 5 साल में एक बार भी नहीं आए, इधर एक युवा भी मौजूद है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे यशपाल राणा जी के बारे में? सर, यशपाल राणा जी नए चेहरे हैं, और प्रदीप बत्रा को हम 15 साल से देख रहे हैं। सर जी, आप देख सकते हैं यहाँ 4 जो मकान थे वो ध्वस्त हुए थे, जिसमें उनका नवनिर्माण भी हुआ था, लेकिन उसमें फिर त्रेड आ चुकी है। आपने शायद कल वहाँ सीट डाला भी था, आप आए थे वहाँ पर ना? तो सर, ये बत्रा और राणा जी का चुनाव है, इसमें राणा जी को हम फुल सपोर्ट कह रहे हैं, बत्रा और राणा जी का चुनाव है, और ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका है। देखिए, यहाँ पर तमाम जनता और भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है, क्योंकि जनता कह रही है कि गणेशपुर की जनता की अगर बात करें तो नाराज नजर आती है। देखिए, गले में कांग्रेस का पटका, हाथों में फूल की माला, राणा जी को क्यों चुनने वाले हैं? राणा जी एकदम निष्पक्ष, और हमारे पुराने मेयर रहे हैं जिन्होंने कि बहुत सारे विकास कार्य कराए थे, ठीक है। आज की तारीख में प्रदीप बत्रा का जो आतंक है, वो चाहे आतंकी कह सकते हो साहब, वो भूमाफिया भी हैं, ठीक है, और आज की तारीख में आप देख ही पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो उसी भ्रष्टाचार को निमटाने के लिए यशपाल राणा जी इस बार आ रहे हैं। आपने उन्हें भ्रष्टाचार ही बता दिया, अब उनके लोग आपको दबंग बताते हैं? भाई साहब, दबंग है ना, अपने लोगों के लिए दबंग है, कोई गलत काम के लिए दबंग नहीं है, अपने लोगों के लिए। अगर किसी भी अपने आदमी का कोई भी, मतलब आप ये मान के चलिए कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, तो उनके लिए दबंग है यशपाल राणा जी खुल के। जनता कह रही है जिसके साथ गलत होगा उसके लिए यशपाल राणा जी दबंग है। बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार क्या लग रहा है, 10 मार्च को किसकी सरकार बनने वाली है रुड़की में? रुड़की में तो यशपाल राणा जी का जोर चल रहा है जी फिलहाल, इन्हीं के सारे पब्लिक ज़्यादातर इन्हें सपोर्ट कर रही है, और पहले भी मेयर रहे, कोई इन पे कोई एलिगेशन नहीं लगा किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का। तो आपके प्रदीप बत्रा जी भी रहे, उन पे एलिगेशन लगे? मैं तो इनकी बात बता रहा हूँ जी, मैं तो इनकी बात बता रहा हूँ कि इन पे कोई एलिगेशन नहीं लगा, इसलिए पब्लिक इनकी साथ है। अच्छा, प्रदीप बत्रा जी के साथ कौन है फिर? वो तो जाने, हमें तो पता नहीं इस बारे में। अच्छा, विधायक जी ने कितना काम कराया प्रदीप बत्रा ने? नहीं, काम तो किया उन्होंने, लेकिन वो सड़के वड़के वो नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये सड़के नहीं बनवाई तो क्या काम किया? बस वो जाने जी, वो उनका काम किया है कह रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनवा पाए। मेरा क्या जी, क्या लगता है? देखो जी, अब कहीं यशपाल राणा रुड़की से बहुत भारी वोटों से जीतेंगे, और इसके हमने कई साल देख लिए प्रदीप बत्रा के, और उनके काम में, हमारा काम में बड़ा अंतर है। वे गरीबों का साथ नहीं देते, हम गरीबों के साथ जुड़े हुए, और हर तबका, हर बरादरी का तबका
यशपाल राणा की साथ जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत से यशपाल राणा जीतने वाले हैं, ये तो समय ही बताएगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, देखिए कितना प्यारा बच्चा है आपका। सबसे पहले तो बताइए कि इस बार किसकी जीत होने वाली है? यशपाल राणा जी की। यशपाल राणा जी की, बड़ी उत्सुकता के साथ बोल रहे हैं, क्यों होने वाली है उनकी जीत? सर देखो, बत्रा जी ने यहाँ पे 10 साल दिए हैं और काम भी किया, ऐसी बात नहीं, काम नहीं किया है, लेकिन जो बात उनके अंदर यशपाल राणा जी के, मेरे भी रहे हैं, हमारे यशपाल बत्रा जी, वो प्रदीप बत्रा जी भी रहे हैं, पर यही थोड़ा विकास के नाम पर पूर्ण मतलब सहमत नहीं है जनता उनसे जी। जनता उनसे सहमत नहीं है, जनता भी यशपाल राणा जी। अगर मैं देखो उन्होंने क्या हाल किया हुआ है, आपको तो पता है, आपको भली बात ये आप सहमत भी होंगे, पंजाबी भाई के जो पंजाबी हैं वे, पर उनके भी वे काम नहीं आ पा रहे हैं, तो सर हम तो यशपाल राणा के समर्थन में हैं पूरे, और वह पूर्ण बहुमत से जीतते हैं सर, इस भारी मतों से जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं गीतांजलि विहार के ही। गणेशपुर के जो लोग हैं वो बड़े आक्रोशित नज़र आते हैं प्रदीप बत्रा जी से जी, क्योंकि दुकानों का मामला हो ADB का जी जी। तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इस पर तो हमें कुछ नहीं कहना है सर, अभी हम तो स्टूडेंट ही हैं, पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, पढ़ी रहे हैं जी। आपका बच्चा नहीं है? मेरा बच्चा नहीं है, मेरे भाई का बच्चा है। अच्छा बिल्कुल, ठीक है, आइए कहीं और, इधर भी एक व्यक्ति खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं जी। हो गया सर, मेरा कुछ हो गया आपका? किसको दोगे इस बार वोट? वोट चाहे किसे भी देनी हो, काम जो अच्छा कराएगा वोट उसे मिलेगी। कौन कराएगा अच्छा काम? यशपाल राणा की वैसे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है जीतने की। काम वैसे सभी सरकार अच्छा करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई कह रहे हैं यशपाल राणा जी के जीतने की उम्मीद है, लेकिन ये तो अब समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हमने जनता से बात की और जनता की राय जानी। एक तरफ इनका कहना था यशपाल राणा प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं क्योंकि वो ईमानदार है, तो वहीं पर इन्होंने प्रदीप बत्रा पर भी यहाँ की गणेशपुर की जनता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदीप बत्रा भ्रष्टाचारी है। लेकिन अब ये तो 10 मार्च का समय ही बताएगा कि EVM में जनता किसको चुनने वाली है, EVM में किसका वोट बैंक बनेगा, किसके वोट बंद हो गए, कमल के वोट बंद हो गए या फिर हाथ के वोट बंद हो गए, ये 10 मार्च बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।